हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल टीच यू चैप्टर नंबर थर्टीन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर्टिकल्स अ एन एंड द सो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स अ एन एंड द थर्टींथ चैप्टर का नाम है आर्टिकल्स और आर्टिकल्स तीन तरीके के होते हैं अ एन द आर्टिकल अ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स अ बुक अ टेबल

उसे हम सिंगुलर बोलते हैं और वो एक से ज़्यादा हो उसे हम प्लूरल बोलते हैं तो क्योंकि यहाँ पे बुक बॉय टेबल टीचर बोर्ड और चेयर में एस नहीं लगा हुआ है तो वो एक ही हुए सो दैट्स वाई दे आर सिंगुलर दे बिगिन विद अ कॉन्सनेंट साउंड एंड वी यूज अ बिफोर ईच ऑफ देम और ये सारे कॉन्सनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं दो तरीके के साउंड होते हैं एक होते हैं वॉवल्स और एक होते हैं कॉन्सनेंट्स आई होप आप सबको पता हो कि वॉवल्स क्या होते हैं ए ई आई ओ यू ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं टोटल ट्वेंटी सिक्स एल्फाबिट्स होते हैं उसमें से फाइव अल्फाबेट्स वॉवल्स होते हैं आई रिपीट वॉवल्स कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू तो इन वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है द फाइव वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू एंड अपार्ट फ्रॉम दीज फाइव लेटर्स द रेस्ट ऑफ द लेटर्स द वंस दैट आर रिमेनिंग आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स सो एनी वर्ड एनी नाउन दैट बिगिनस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड देर वी यूज ए बिफोर देम तो जितने भी वर्ड्स जितने भी नाउन्स हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम आर्टिकल अ लगाते हैं ए लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल एस वॉवल नहीं है अ बैग बी वॉवल नहीं है अ टॉय टी वॉवल नहीं है और ये सिंगुलर भी है स्कूल बैग और टॉय तो इसीलिए इसके आगे हम ए लगा देंगे अ स्कूल अ बैग अ टॉय वी यूज ए बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर सिंगुलर इन नंबर एंड बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड हम ए कहाँ पे यूज़ करते हैं वो नाउन्स जो सिंगुलर हो और वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हो वहाँ पे हम उनके पहले अ लगा देंगे आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ डू वी यूज ए एज एन आर्टिकल आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि हम ए कहाँ पे यूज करते हैं मूविंग ऑन टू द सेकेंड आर्टिकल एन अब हम एन के बारे में बात करेंगे कि एन कहाँ पे यूज होता है

And it is singular, it is also a noun, that's why we write an before the word. An apple, a, it is singular and it starts with a vowel sound. An orange, again singular and starts with a vowel sound. So we use an before common nouns which are single or one and begin with a vowel sound. So an hum kahan use karte hai? Common nouns ke pehle, jo singular ho, और वोवल साउंड से बिगिन होते हो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है शॉर्ट में एक बार वापस बताती हूँ हम ए कहाँ पे यूज़ करते हैं हम उन कॉमन नाउन्स के पहले ए यूज करते हैं जो सिंगुलर हो और जो कॉन्सुनेट साउंड से स्टार्ट होते हो एंड हम एन वहाँ यूज करते हैं उन कॉमन नाउन्स के पहले जो सिंगुलर हो और वोवल साउंड से बिगिन होते हो कॉन्सोनेट एंड वोवल में डिफरेंस क्या है वॉवल होता है ए ई आई ओ यू एंड ए यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं आई होप अभी तक आपको जितना भी समझाया गया हो वो सब आपको समझ आ गया हो आई होप एवरी थिंग हैज बीन अंडरस्ट अंटिल नाउ नाउ लेट्स रीड वॉट इज देयर इन द बॉक्स रिमेंबर वी से एन ऑनस्ट मैन बिकॉज ऑनेस्ट बिगिन विद द वॉवल साउंड एज इन ऑरेंज सो वी पुड एन बिफोर ऑनेस्ट द लेटर एच इज़ साइलेंट इन द ऑनेस्ट वर्ड अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि वॉवल साउंडस जो होते हैं वॉवल जो लेटर्स होते हैं उसके पहले हम एन लगाते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन उसका जो साउंड है वो साउंड एक वॉवल का होता है जैसे ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट में एच साइलेंट है उसमें आ रहा है साउंड ओ का ऑनेस्ट सो so, इसीलिए क्योंकि ओ एक वॉबल है तो हम इसके पहले एन लगाएंगे एन ऑनेस्ट मैन आई होप आपको समझ आ गया हो मैंने अभी जो समझाया लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल्स टू क्लियर दिस डाउट एन आवर एच ओ यू आर यहाँ पे भी एच साइलेंट है एंड साउंड ओ का आ रहा है ओ क्योंकि वॉबल है इसलिए हम इसके पहले एन लगा देते हैं एन ऑनर ऑनर में भी एच है लेकिन एच साइलेंट है ओ का साउंड है और ओ क्योंकि एक वॉगल है तो हम ऑनर के पहले भी एन लगाएंगे वी से अ यूटेंसिल बिकॉज यूटेंसिल बिगिनस विद द कॉन्सोनेंट साउंड यू सो वी पुट अ बिफोर द वर्ड यूटेंसिल यूटेंसिल एक वर्ड है यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन नाउ यूटेंसिल के पहले हम अ लगाते हैं क्यों यूटेंसिल तो यू से शुरू होता है एक वोवल है पर हम अ क्यों लगाते हैं क्योंकि जब हम इसको बोल के देखेंगे तो हम बोलते हैं यूटेंसिल, और वो खाली यू नहीं होता है वो वाई डबल ओ होता है तो क्योंकि साउंड का भी फ़र्क पड़ता है साउंड में वाई डबल ओ है और वाई यहाँ पे एक कॉन्सनेंट है इसीलिए हम अ लगाते हैं मूविंग ऑन टू सम मोर एग्जाम्पल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड यूजफुल एनिमल यहां पर यूजफुल में बी वाई डबल ओ का साउंड आ रहा है इसीलिए हम अ लगाते हैं अ यूज कार यू में वाई डबलओ का साउंड आ रहा है इसीलिए हम ए लगाते हैं वी से अ वन रिपी कॉइन बिकॉज वन बिगिनस विद द कॉन्सोनेंट साउंड डब्लू ए सो वी पुट ए बिफोर वन रिपी अ वन रिपी कॉइन अब हम वन रुपी कॉइन के पहले ए लगाते हैं ओ लगाते हैं क्यों क्योंकि वन का जो साउंड है उसका अगर हम उसे लिखेंगे साउंड के हिसाब से तो डब्ल्यू ए आता है एंड डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट इट इज नॉट अ वॉवल क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसीलिए हम ए लगाते हैं मूविंग ऑन टू मोर एग्जाम्पल्स अ वन हंड्रेड रुपी नोट अ वन आइड मॉन्स्टर तो सिमिलर है वन का साउंड में डब्ल्यू ए आता है डब्ल्यू इज ए कॉन्सोनेंट सो दैट्स वाई वी राइट ए एंड वी डोंट राइट एन यहां पर मैं वापस बता रही हूं साउंड का बहुत फर्क होता है तो आप जब भी ए या एन लगाते हैं आप एक बार ही उस वर्ड को बोलकर देखिए तब आपको समझ आ जाएगा कि वहां पर अ लगाना है कि एन लगाना है नाउ लेट्स डू द फर्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ और एन

And because A is a vowel, we write an. So the sentence will be I have an uncle who is an artist. Next sentence Dash lion and dash mouse were good friends. Lion starts with L and mouse starts with M. Both of these are consonant sounds. So we will write A lion and a mouse were good friends. The B is dash hard working insect. Hard working starts from H. H is a consonant sound. So we will write the B is a hard working insect. Next one. Gia left her house dash R ago. So over here, R starts with H. But when we pronounce it, when we say the word, it is the sound of O. So we will write, Jia left her house an hour ago. Dash one eyed beggar scared the children. One eyed. One starts with O, but when we pronounce it, the sound is W A. So we write, a one eyed beggar scared the children. Next sentence, I have been working in this place for dash year and dash half year starts with y and half starts with h both of them are consonant sounds so we write a in both the blanks the sentence will be i have been working in this place for a year and a half the king had dash army of 5000 brave warriors army starts with an a and it is a vowel so we write an the king had an army of 5000 brave warriors last sentence the computer is dash useful machine u is a vowel but when we pronounce it it is y double o. the sound is y double o, so that's why we will write a the computer is a useful machine hoping this exercise was easy for you and you have understood ummeed hai aapko samajh ho इस एक्सरसाइज में आपके डाउट्स और भी ज्यादा क्लियर हो गए हो अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज पुट अ और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स इस एक्सरसाइज में नाउन्स दिए हुए हैं इसके पहले आपको या तो अ लगाना है या फिर एन लगाना है फर्स्ट वन डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट विथ एन आई आई इज अ वॉविल सो वी राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी Dash pair of shoes. Pair starts with a P. It is a consonant. So we write a pair of shoes. Dash easy question. Easy starts with an E. E is a vowel. So we write an easy question. Dash Indian dress. Indian starts with an I. I is a vowel. So we write an Indian dress. Dash clock. Clock starts with a C. It is a consonant, so we write a clock. Dash purse. Again, P is a consonant sound, so we write a purse. Dash box. We write a box. Why? Because box starts from a consonant sound. Dash aunt. Because aunt starts with an A, it is a vowel sound, we write an aunt. Dash book. Book starts with a consonant sound, so we write a book.

हम किसी पर्टिकुलर किसी एक ही इंसान या चीज के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं उनके पहले हम द लगाते हैं एग्जाम्पल्स गिव मी अ बुक नाउ बुक इज अ कॉन्सोनेंट साउंड सो वी राइट अ बट यहां पे अ बुक बोला है तो वो कोई भी बुक हो सकता है बट जब हम द लगाते हैं देन द सेंटेंस चेंजेस टू गिव मी द बुक यू आर रीडिंग तो ये वो बुक मांग रहा है जो तुम पढ़ रहे हो इतने सारे बुक्स हैं उनमें से एक ही बुक तुम पढ़ रहे हो तो जिस बुक के बारे में बात हो रही है वो वो वाला बुक है जो आप पढ़ रहे हो तो इसीलिए हम द लगाते हैं बुक के पहले नेक्स्ट एग्जाम्पल ओपन अ बॉक्स बॉक्स कोई भी हो सकता है कोई भी बॉक्स खुल सकता है ओपन द बॉक्स बिहाइंड यू तुम्हें वही बॉक्स खोलना है जो तुम्हारे पीछे है तो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर उस एक ही बॉक्स के बारे में बात कर रहा है इसीलिए बॉक्स जो नाउन है उसके पहले हम द लगाएंगे सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम द तभी लगाते हैं जब हम किसी एक पर्टिक्युलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो रिमेंबर अ और एन इज यूज फॉर एनी पर्सन और थिंग अ और एन किसी भी पर्सन या फिर किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है बट द इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग द किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज के लिए यूज होता है लेट्स डू थर्ड एक्सरसाइज आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ एन और द डैश शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाई टेगोर आर वेरी इंटरेस्टिंग द आंसर विल बी द शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाई टेगोर आर वेरी इंटरेस्टिंग द क्यों आएगा क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज बहुत होती है लेकिन यहाँ पे उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज की बात हो रही है जो टेगोर्न ने लिखी है तो इसीलिए हम द लिखेंगे ये एक पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस आई रोट डैश स्टोरी सो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट साउंड वी राइट अ स्टोरी डैश ऑस्ट्रिच इज इन द केज ऑस्ट्रिच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वॉवल साउंड सो वी राइट एंड ऑस्ट्रिच इज इन द केज डैश बस पार्कड आउट आउटसाइड अवर स्कूल के बाहर पार्क किया हुआ बस है उसी बस का एक टायर पंक्चर है लास्ट सेंटेंस ही फाउंड डैश वन रिपी कॉइन इन द दियां विल बी ही फाउंड अइन इन द्क वन भले ही ओ से शुरू हो रहा हो लेकिन इसका जो साउंड है वो डब्ल्यू ए का है एंड इट इज अ कॉन्सोनेंट सो वी राइट ए आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज अ और एन बट वेन वी स्पीक ऑफ इट अगेन वी यूज द अगर हम किसी एक इंसान या चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले तो अ या फिर एन ही लगाते हैं लेकिन हम जब उसी चीज को या उसी इंसान को दोबारा दोहरा रहे हैं दोबारा रिपीट करते हैं तब हम द लगाते हैं लेट्स गो थ्रू दी एग्जाम्पल्स माई फादर गेव मी अ बुक द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे पापा ने मुझे एक बुक दी और वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी बुक्स बहुत सारे होते हैं तो लेकिन यहाँ द उस बुक के आगे लग रहा है जो पापा ने दी थी नेक्स्ट एग्जाम्पल I found a purse. The purse was lying under a table. मैंने जो पर्स को ढूंढा वो पर्स एक टेबल के नीचे था तो ये उस पर्स के बारे में बात हो रहा है जो टेबल के नीचे था इसीलिए हम द लगाते हैं सो वी हैव टू रिमेंबर दैट अ और एन इज यूज वेन वी आर स्पीकिंग ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो हम अ या फिर एन लगाते हैं द इज यूज वेन वी आर स्पीकिंग ऑफ द सेम थिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज लेकिन अगर हम उसी सेम सेंटेंस में उस चीज को या उस इंसान के बारे में हम अगर वापस बात कर रहे हैं तब हम द लगाएंगे लेट्स डू द फोर्थ एक्सरसाइज सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस न्यू रूल इन अ बेटर वे फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो इसी नए रूल से रिलेटेड है तो हम अगर इसे करेंगे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ अर द फर्स्ट सेंटेंस डैश फार्मर फ्रॉम दिलज फेयर क्योंकि फार्मर और डोंकी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं तो हम अ लगाएंगे अ फार्मर बॉट अ डोंकी फ्रॉम द विलेज फेयर ही फाउंड डैश डोंकी टू बी डैश यूजफुल एनिमल तो फार्मर ने जिस डोंकी को विलेज फेयर से लाया था अब यहाँ पे उसी डोंकी की बात हो रही है सो दैट्स वी विल राइट ही फाउंड द डोंकी टू बी डैश यूजफुल एनिमल यूजफुल में वाई डब्लो का साउंड आता है तो वो एक कॉन्सनेंट हुआ इसीलिए हम अ लगाएंगे सो द सेंटेंस विल बी अ फार्म बॉट अ डोंकी फ्रॉम द विलेज फेयर ही फाउंड द डोंकी टू बी अ यूजफुल एनिमल नेक्स्ट सेंटेंस डैश एंड एंड डैश बी व गुड फ्रेंड्स एंड इज A vowel sound, so we write an. And B starts with a consonant sound, so we write a. So the sentence will be an ant and a bee were good friends. Dash ant stored sugar and dash b stored honey. Same he sentence me usi ant or usi bee ka baat ho raha So we write the ant stored sugar and the bee stored honey. Next sentence.

So new starts from a consonant sound we write a and because same school is being talked about in the next sentence so we write the so the sentence will be Shalini has shifted to a new school the school is very far from her house last sentence Rita wore dash pink dress pink starts from a consonant sound so we write a Rita wore a pink dress डैश ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल अब वो उसी ड्रेस के बारे में बात हो रहा है सो वी राइट द ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल वी ऑल्सो यूज़ द विद द फॉलोइंग केसेस द और भी जगह यूज़ होता है कहाँ पर वो अब मैं आपको बताती हूँ विद द टाइटल्स ऑफ बुक्स कुछ बुक्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं तो उनके आगे द लगता है जैसे द गीता द रामायणा विद द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स बहुत ही पॉपुलर बिल्डिंग्स जो होती है उनके आगे उनके नाम के आगे द लगता है जैसे द ताजमहल द इंडिया गेट विद द नेम्स ऑफ रिवर्स रिवर्स के जो नाम होते हैं उनके नाम के पहले द लगाया जाता है जैसे द गेंज द यमुना डिरेक्शन्स के टाइम पे द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ द साउथ बट वी डू नॉट यूज द बिफोर पर्टिक्यूलर नेम्स ऑफ पर्सनस और प्लेसेज हम द किसी पर्टिकुलर नेम किसी इंसान का नेम या किसी जगह के नेम के आगे नहीं लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल जय इज माई फ्रेंड ये सेंटेंस करेक्ट है द जय इज माई फ्रेंड ये गलत है आगरा इज अ बिग सिटी ये सेंटेंस इज करेक्ट द आगरा इज अ बिग सिटी दिस सेंटेंस इज रोंग सो so, किसी भी इंसान का नाम हो या कोई जगह का नाम हो इन दोनों के आगे हम द नहीं लगाते हैं लेट्स कंप्लीट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर पुट द एवर यू थिंक इट इज नीडेड एंड री राइट द सेंटेंसेज यहाँ पे सेंटेंसेज दिए हुए हैं और जहाँ पे द लिखने की जरूरत है हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट सेंटेंस सन राइज इन ईस्ट क्योंकि सन एक ही होता है और ईस्ट एक डायरेक्शन है तो इसीलिए वी विल राइट द सन राइज इन द ईस्ट नेक्स्ट सेंटेंस वी कुड सी स्टार्स शाइनिंग इन स्काई सो द सेंटेंस विल बी वी कुड सी द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई आप ये पिक्चर्स देख रहे हो ऊपर स्टार्स मून अर्थ सन और स्काई इन पांचों वर्ड्स के पहले द लगेगा नेक्स्ट सेंटेंस गेंजेस इज अ सेक्रेड रिवर क्योंकि गेंजेस इज नेम ऑफ अ रिवर तो इसीलिए इसके पहले हम द लगाएंगे सो द सेंटेंस विल बी द गेंजर्स इज अ सेक्रेड रिवर सेक्रेड मीन्स प्योर फोर्थ सेंटेंस ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहान ताजमहल इज अ पॉप्युलर बिल्डिंग सो वी विल राइट द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहान हम द शाहजहां नहीं लिखेंगे क्योंकि इंसान के नाम के आगे द नहीं लिखा जाता है लास्ट सेंटेंस आई ट्रेवल्ड ऑन गेंजेस बाय बोट आई ट्रेवल्ड ऑन द गेंजेस बाय बोट गेंजेस इज नेम ऑफ अ रिवर सो वी विल राइट द बिफोर इट आई होप दिस एक्सरसाइज हैज़ ऑल्सो बीन अंडरस्टूड एंड द एंटायर चैप्टर इज क्लियर इन केस देर इज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू क्लियर इट फ्रॉम मी उम्मीद है आप सबको सब कुछ समझ आ गया हो अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर ले दैट्स इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस ऑल ऑफ यू